नाउन का कुछ मीनिंग फिक्स करते हैं नाउन के बारे में कुछ डिटर्मिन करते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं, जैसे सम पीपल तो पीपल यहाँ पे नाउन है और सम यहाँ पे है. तो जो मेन टाइप्स है डिटरमिनर्स की वो फोर मेन सब टाइप्स में डिवाइड है ये फर्स्ट आर्टिकल्स आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी डन ओके डेमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव Like this, that, these, those. I think all of the students know very well how and where do we use this, that, these, those. Similarly, possessive like my or his her ye uh, possessive pronouns, they are also come under determiners. Okay. And the topic of the day is quantifiers.

the use of quantifiers. Okay, so first of all we will know about use of few, a few, or the few and then little. Okay, first few. तो फ्यू और लिटल में पहले तो मेन डिफरेंस यही है जो फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और लिटल अनकाउंटेबल कोई चीज जो हम गिन सकते हैं वहां पे फ्यू होगा जो गिन नहीं सकते वहां पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटल होगा ठीक है जैसे शुगर है तो शुगर को हम गिन नहीं सकते तो हम वहां पे लिटल यूज करेंगे ठीक है स्वीट्स है पेन है ठीक है तो हम वो काउंट करे जा सकते तो उनके लिए हम फ्यू यूज करेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फ्यू है फ्यू होता है अ फ्यू भी होता है और द फ्यू भी होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू का कहां पे यूज होता है अकेला फ्यू सो फ्यू एम्फ द लैक ऑफ समथिंग एग्जाम्पल देयर आर फ्यू स्वीट लेफ्ट इन द जार ठीक है मतलब वी शुड बी केयरफुल नोट टू ईट दैम टू क्विकली बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड ओके कोई चीज खत्म होने वाली है ठीक है लैक ऑफ समथिंग तो उस सेंस में हम फ्यू यूज करते हैं ठीक है अब अ फ्यू जो है इसमें यही डिफरेंस है इट इम्फेसाइजेज दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स ये पॉजिटिव सेंस में यूज है ठीक है वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर द क्लास गेट्स ओवर डू यू हैव एनी क्वेश्चन ठीक है कि अभी भी कुछ मिनट्स पड़े हैं अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो ठीक है तो इट मीन्स समथिंग स्टिल रिमेन्स तो वहां पे यूज होता है अ फ्यू ओके इट मींस वी स्टिल हैव सम टाइम सो वी शुड यूज इट ठीक है बेटे तो फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस आपने नोट किया और जो द फ्यू इट सिग्निफाइज नॉट मैनी बट ऑल देयर आर ठीक है द फ्यू क्लॉथ्स ही हैज आर आर ऑल वेरी ओल्ड जो थोड़े से कपड़े हैं उसके पास वो सारे पुराने हैं ठीक है इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर ठीक है ज्यादा नहीं है पर जो भी है द फ्यू ओके सो द क्लोथ डेट ही हैड वर्ड नॉट मैनी बट ऑल दोज वर वेरी ओल्ड वो द फ्यू जो थोड़े से हैं ठीक है तो ये डिफरेंस है हमारा फ्यू अ फ्यू और द फ्यू में ठीक है इसी तरह हम लिटल पे आते हैं लिटल अ लिटल द लिटल लिटिल इंफेसाइज इज लैक ऑफ समथिंग वी हैव लिटल मनी राइट नाउ अब आप देख, देख सकते हो मनी अनकाउंटेबल अगर रुपी होता वो काउंटेबल था ठीक है मनी इन जनरल लिखा है सो वी हैव लिटल मनी राइट नाउ वी शुड गो आउट फॉर डिनर एन डे ठीक है Lack of something kam paisa bacha hai. we should be careful and use the money wisely because we don't have much money, okay, then a little a little emphasizes that something still remains a positive sense mein. there is a little ice cream left. who will eat it, okay? we still have some ice cream left. who wants to eat it, okay. Similarly, the little it signifies not much, but all there is. ज़्यादा नहीं पर जो भी है. The little sugar she had, she gave to her neighbour. All the sugar that she had, though not much, she gave to her neighbour. Okay? तो उसके जैसे ही few के जैसे ही सारे ये little, a little, the little का use है, but यहाँ पे difference वो ही है, वो countable के साथ और ये uncountable के साथ use होता है. नेक्स्ट है यूज ऑफ मच एंड मैनी यहाँ पे अगेन वही डिफरेंस है मच जो होता है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है और मैनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स मैनी काउंटेबल्स के साथ आएगा जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल आई हैव नॉट गॉट मच चेंज आई हैव ओनली गॉट अ हंड्रेड रुपी नोट ठीक है तो नेक्स्ट आर देयर मैनी सॉरी कैंपसाइट्स नियर योर प्लेस ठीक है तो मच फॉर अनकाउंटेबल एंड मैनी फॉर काउंटेबल वी यूजली यूज मच एंड मैनी विथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज और ज्यादा यूज इनका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में ही आता है इज देअर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया हाउ मैनी एग्स हैव बीन यूज इन दिस केक डू यू थिंक मैनी पीपल विल कम और द रेन वॉज पोरिंग डाउन इन टोरेंट्स ओके बट दैट वॉज नॉट देयर वॉज नॉट मच विड सिमिलरली यूज ऑफ मोर लेस फ्यूअर ये तीनों कम्पेरेटिव डिटर्मिन कम्पेरिजन के लिए आते हैं और इनके साथ दैन का मोस्टली यूज होता है क्योंकि यहां पे कंपैरिजन करा गया है ओके स्टूडेंट्स सो लेट अस सी विद द एग्जांपल्स आई डू मोर वर्क देन सुरेश प्लीज गिव मी सम मोर सलाद डज लेस वर्क देन मी आई वांट लेस वॉन्ट देन महेश ओके सो इसी तरह फ्यूअर का यूज वी यूज फ्यूअर बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग स्मॉलर देन एनदर ओके फ्यूअर स्टूडेंट सक्सीडेड इन पासिंग दैन लास्ट इके नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ ईच एंड एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिन होते हैं अब ईच और एवरी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठीक है वी यूज ईच फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स ओके okay, दो के लिए भी या दो से ज्यादा के लिए भी बट एवरी ओनली फॉर मोर देन टू आइटम्स एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है ठीक है दो के लिए नहीं होता बोथ ऑफ दीज आर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउंस एंड सिंगुलर वर्ब्स ओके ईच ऑफ द टू बॉयस हैज वन अ प्राइस ठीक है सिंगुलर वर्ब है हैज सिमिलरली एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज प्रेजेंट टूडे इज देखे वर्ब भी सिंगुलर ले रहे हैं ईच और एवरी ठीक है नाउ वी यूज ईच वेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड और डेफिनेट बट एवरीज यूज वेन द नंबर इज इनडेफिनेट और अनोन जब नंबर लिमिटेड है डेफिनेट है पता है ठीक है तो ईच यूज करते हैं जब नंबर अनलिमिटेड है तो एवरी यूज करते हैं ईच स्टूडेंट इन माई क्लास वॉज प्रमोटेड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज अ पेरेंट ओके सिमिलरली यूज ऑफ मोस्ट सेवरल एंड ऑल वी यूजअली यूज मोस्ट विद प्लूरल अनकाउंटेबल नाउंस मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट एट होम ओके okay, तो ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ है एंड वी यूजली यूज सेवरल विद प्लूरल नाउन्स बट इट रेफर्स टू अ नंबर विच इज नॉट वेरी लार्ज लेस देन मोस्ट ओके सेवरल पीपल वर क्रश्ड इन द स्टेड ओके एंड सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन सुनामी सो so, ये सेवरल का यूज हमने देखा है ये प्लूरल नाउन्स के साथ ही आता है और ये ये एक नंबर के साथ ज्यादा जनों के लिए यूज करा जाता है विच इज नॉट वेरी लार्ज मतलब मोस्ट से कम नंबर ठीक है सो ऑल रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब वेन यूज विदेबल नाउन एंड रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन ओके ऑल आर गोइंग टू डेली ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ओके

काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी यूज होता है ब्रिंग मी अन अदर नाइफ हमने बोला था अनदर सिंगुलर के साथ यूज होता है और काउंटेबल भी ब्रिंग मी अनादर नाइफ एज दिस वन इज प्लंट आई वुड प्रेफर द अदर हाउस द अदर स्टूडेंट्स वेंट बैक होम पहले में अदर जो है वो सिंगुलर के साथ था यहाँ पे प्लूरल के साथ है ही इज अ बेटर ह्यूमन देन मोस्ट अदर्स ओके यहाँ पे प्लूरल भी है ठीक है सिमिलरली यूज ऑफ आइदर और नाइदर ठीक है वी यूज आइदर टू रेफर टू टू थिंग्स पीपल सिचुएशन एटसेट्रा इट मे मीन वन और द अदर ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू आइदर का मतलब दो में से एक जना या पहले वाला चाहे दूसरे वाला या दोनों ही ठीक है सो आई डू नॉट एग्री विद आइदर राम और श्याम We use neither with only singular countable nouns and uh, singular verb. Neither is the negative of either. Neither of the two boys passed the exam. Okay, students. So now I will uh, send you exercise. Okay. So our first exercise is: Do you need that?